मजा आया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो हाय सीजर फैमिली, दिस इज योर फ्रेंड पुलकित। एंड आज मुझे इतनी अच्छी लोकेशन मिली राइड करते हैं, तो मैंने कहा यहीं से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लिंकिंग राइडर। और पीछे यार कितने बढ़िया खेत हैं। तो अभी एक्चुअली क्या है कि मुझे शोर बहुत है, मुझे फ़ोन आया था मेरे मैकेनिक का, उन्होंने बोला कि फाइनली जो मेरे पार्ट्स लगवाने थे वो आ चुके हैं। सो व्हाट अ गुड टाइम टू सेलिब्रेट दिस। और चलिए मैं दिखाता हूँ वीडियो उनको इंस्टॉल करते हुए, पहले सिनेमैटिक्स एंजॉय कर लो। खड़ी है अपनी बाइक, ऐसा देखने में बहुत सुंदर लगती है यार, अगर मैं चीज़ें दिखाऊँ तो। एनीवेज, तो मुझे क्या है, एक इसका इंजन गार्ड लगवाना है यहाँ पे, और सामने से ये जो आपको दिख रही है फ्रंट हेडलाइट हेलोजन है, तो मैं चाह रहा हूँ इसको मैं LED में कन्वर्ट करवा दूँ। प्लस तीसरी चीज़ क्या चेंज होनी है, वैसे तो इसका मुझे टायर भी चेंज करवाना है रियर, बट इसमें क्या है कि सर यहाँ पर लगाओ ये रिफ्लेक्टर है, ये बहुत गंदी पड़ी है मेरी बाइक, आई नो मैं खुद भी बहुत गंदा पड़ा हूँ इस टाइम पे, बट अभी क्या है यार कि मैं जाने के लिए रेडी हो रहा था, बट मेरे मैकेनिक का फ़ोन आया, ही इज़ वेरी कंप्लायंट और बहुत हेल्पिंग है, तो वो कह रहे कि मैं घर आके आपके ठीक करता हूँ। ये देखो टायर का भी बहुत बुरा हाल है, जब भी टायर ऑर्डर किया हुआ है बहुत शॉर्टेज चल रही है मार्केट में, तो टायर भी जैसे आएगा मैं सोच रहा हूँ इसे थोड़ा सा रियर थोड़ा चौड़ा करा लूँ, 150 है आई एम प्लानिंग, या 180 या 200 करवा लूँ। एनीवेज, तो ये भी मुझे चेंज करवानी है, तो ये भी चेंज हो जाएगी, फ्रंट लाइट भी चेंज हो जाएगी, और इन सबको चेंज करते हुए दिखाता हूँ और उसके बाद देखते कितना डिफरेंस आता है बाइक के लुक्स में। तो बाइक इतनी गंदी पड़ेगी पाजी, खुद से हाथ से साफ करके लगाना पड़ेगा लेग गार्ड। और इससे क्या है ना कि दो स्क्रूज से सिक्योर हो जाता है, मतलब समहाउ, मतलब दो नीचे दो ऊपर, और पता भी नहीं चलता है कहाँ पे स्क्रूज लगे हैं, तो हाइड हो जाते हैं बिल्कुल स्क्रूज। इसको ना स्पेसिफिकली मस्टैश लेग गार्ड बोलते हैं, मस्टैश मूछों वाला एज इन। तो इसमें क्या है कि इंस्टॉल करना बहुत इजी है, इसका फ़ायदा क्या होता है, ऑब्वियसली ये क्रैश होने से तो आपको बचाता ही बचाता है, प्लस जब आप हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हैं तो इसके ऊपर आप अपनी दोनों लेग्स को रेस्ट कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा वो क्रैम्प वाली फीलिंग ना आए लाइक दिस। तो अभी बाजी जैक को निकाल के रियर साइड पर एडजस्ट कर रहे हैं, और मुझे पता नहीं था कि रियर सिर्फ लाइट को लगाने के लिए हमें इसके शॉक एब्जॉर्बर्स को भी खोलना पड़ता है, दोनों साइड से बाइक को थोड़ा लिफ्ट करना पड़ता है, वायरिंग चेक करनी पड़ती है, मुझे लगा था सिंपल सा टास्क होगा। तो इसमें देखो आप सीट भी खोल दी उन्होंने, बाइक रेस कर रहे हैं, पाजी को सीरियसली मैंने दिहाड़ी का काम दे दिया, अच्छे से साफ करके अब वो मेक श्योर कर रहे हैं सारे कनेक्शन सही है, और लाइट हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, ये देखो क्या ज़बरदस्त लुक आ रही है यार। तो अब रियर लाइट इंस्टॉल होगी, इसके लिए इतना बड़ा तामझाम था, पर फ्रंट लाइट के लिए कुछ भी नहीं है, जस्ट प्लग एंड प्ले है, चेक नट को खोलो, पुरानी लाइट निकाल लो, करो स्विच को, और साथ में ही चलने लग जाती है। मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे रात को दिखाने के लिए, कितना अच्छा थ्रू है यार इस लाइट का। तो थ्रू ऑफ दिस हेडलाइट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छे से ल्यूमन रखे गए हैं इसके, मतलब लाइट स्कैटर नहीं करती है। अभी आपको लेफ्ट साइड में दिखाता हूँ क्या बढ़िया सनसेट का व्यू आ रहा है, मतलब कैमरा ना जस्टिस नहीं कर पाता उस चीज़ के साथ। और सामने ये जो है ये हमारा मोहाली का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, होपफुली फ्यूचर में सारे इंटरनेशनल मैचेस यहीं पे हुआ करेंगे। द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आई हैव गेन्ड आफ्टर इंस्टॉलिंग द इंजन गार्ड, मैं उसे वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता, बिकॉज इससे पहले मुझे डर लगता था, जेन्युइनली डर लगता था कि अगर मैं ज़्यादा बाइक को लीन कर दूँ कहीं ये स्किड ना हो जाए, बिकॉज इसका पिछला टायर भी थोड़ा सा गंजा है। बट इसके बाद मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि ना तो मुझे हर्ट होगा ना ही बाइक को कुछ लगेगा। तो लीन कर रही मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, होपफुली कुछ अच्छी लीनिंग इन फ्यूचर मैं सीख जाऊँगा। तो हमारा इंस्टॉलेशन का पार्ट यहाँ तक खत्म हो चुका है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या रह गया मेरी बाइक में लगने वाला, बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो यार अभी इसमें रहता है टायर और इसकी ग्रिप्स भी पेंडिंग है, और जैसी वो दोनों आती है मैं उसके ऊपर ही वीडियो पक्का बनाऊंगा। आप पीछे देखो यार क्या सनसेट का व्यू आ रहा है, मैं एक फोटो भी अटैच कर दूँ बाइक की, बहुत ही सुंदर फोटो आई है। और भी ऐसा कंटेंट आते रहेगा गाइस, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर, बहुत सारा कंटेंट रेडी पड़ा है और एवरी मंडे एक वीडियो आती रहेगी आपके लिए। चलिए स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। सो और ऐसी वीडियो को ऑर्डर हो जाता है तो बस
मेरा ना दिन ही खराब चल रहा है। देखो अभी आते मैंने ब्लूपर्स के लिए बन गई है वीडियो, ये देखो बच गया यार। इतना लीन कर दिया था कैमरा ही घिस गया मेरा ना। गिरा ही चल रहे हैं सारे ना एक्शन कैमरास पे। पहले गोप्रो हो गया, मैं थोड़ा सा टूटा पर बचाव हो गया, इसका ही बचाव हो गया। मैं रियली बहुत केयरफुल रहूँगा आगे से इन चीज़ों के लिए। बहुत महंगी आती भाई ये चीज़ें।